ये हमने डाल दिया इसमें लास्ट पैक, बोतल हो गई ये खत्म। ये दोस्तों देख रहे होंगे फिश की आंख है दोस्तों, फिश की आंख। उसको भी खाएंगे दोस्तों। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन दोस्तों। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट मैंने जैसे वीडियो डाली थी ऑफिसर चैस ब्लू की, तो आपने उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया दोस्तों। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आज एक विस्की और आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। तो जैसे आपको पता चल रहा है, हमारे पंजाब में बहुत गर्मी पड़ रही है, 42-45-48 डिग्री तापमान है और जुलाई का सीजन चल रहा है दोस्तों। तो उसी सीजन में मैं कौन सा विस्की पीता हूँ कॉकटेल बना के, और बहुत ही बढ़िया लगती है विस्की। एक्चुअली क्या होती है, गर्मी में तो हमें कूल कूल विस्की पीनी चाहिए, जिसको पीने से थोड़ा मज़ा आए, थोड़ा कूल कूल लगे। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे ही आपके लिए आज स्कॉच विस्की लाया हूँ, जिसका नाम है जैमसन। जैमसन स्कॉच विस्की है दोस्तों, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं घर में रखता हूँ विस्की, और इसको कभी कभी पीता हूँ जब मन करता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसका कॉकटेल बना के पी लेता हूँ, तो थोड़ा कूल कूल फ्रेश फ्रेश लगता है दोस्तों। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने पिया नहीं था, इसमें 2 से 3 पैग ही पड़े हैं। तो चलिए इसको आपका रिव्यू देता हूँ, ये कैसा लगता है मुझे। तो चलिए आपको इसको लाइव देता हूँ, मैंने भी काफ़ी दिन से नहीं पिया, कि कैसा पीने में लगता है दोस्तों, जो कि काफ़ी मार्केट में पॉपुलर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने चखना में लिया है हमारा फिश फ्राई दोस्तों। ये फिश का पूंछ है पीछे वाला हिस्सा, जो कि फुल है बड़ा पीस, और ये है हमारी फिश हेड, फिश की मुंडी कह सकते हैं। तो ये लिया चखने में, इसके साथ आपको उसको खा पी के दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देर न करते हुए लेट्स गो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका नोजिंग करके बताऊंगा, और उसके बाद नीट टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों नोजिंग के लिए चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो अल्कोहल वॉल्यूम है वो 40% है दोस्तों, नोट है 42.8%। जी हाँ दोस्तों, इसमें 42.8% नहीं है, इसमें सिर्फ 40% है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। अगर 40% है जो विस्की है कि होली 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 सुरूर बनाता है, और नॉर्मली बंदे को रखता है, काफ़ी बढ़िया सुरूर, मस्त सुरूर आता है, कूल कूल ठंडा ठंडा वाला। तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं पहले इसका नोजिंग करके बताता हूँ कैसा लगता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया दोस्तों 10 से 15 ml। चलिए इसकी नोजिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये विस्की है स्कॉच विस्की जैमसन्स, ये हमारे पंजाब में 1800 रुपए की बोतल मिल रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 1800 की बोतल है दोस्तों, और 40% अल्कोहल इसमें होता है। तो चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं, और पहले आपको नोजिंग करके बताता हूँ कैसा इसमें स्मेल आता है। तो दोस्तों स्मेल में आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अंदर तक लेके जा रहा हूँ, तो उसका थोड़ा हार्डनेस की स्मेल आ रही है, अदरवाइज यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा है, और यहाँ से तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मैं ऐसे कर रहा हूँ तब इसकी समय ला रही है, इसकी अल्कोहल की हार्डनेस की। तो दोस्तों जैसे मैं बताऊंगा इसको, जब मैं समय ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा स्वीट स्वीट आ रहा है, आई थिंक इसमें वनीला टाइप फ्लेवर आ रहा है, वनीला जो होता है, वनीला का जो मीठा मीठापन होता है, वैसा स्मेल में आ रहा है दोस्तों। और थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें चीकू होता है खाने वाला, चीकू और ऑरेंज, ऑरेंज का कुछ फ्लेवर आ रहा है और चीकू का आ रहा है दोस्तों। तो हाँ, ऐसे या क्रीमी फ्रूटी टाइप स्मेल आ रहा है, अच्छी स्मेल आ रही है दोस्तों, कोई हार्डनेस वाली स्मेल नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको आपको नीट पी के दिखाता हूँ कैसा लगता है। चेस दोस्तों, लेट्स गो। Oh no!
तो दोस्तों जैसे कि हर विस्की लगती है नीट पीने में भी हार्ड लग रही है, पर इसमें क्या चीज़ मेरे को बढ़िया लगी दोस्तों, जब उसको मैंने टंक्स में रखा और थोड़ा घुमाया, थोड़ा माउथ में इसको शेक किया, उस समय तो ये हार्ड लग रही थी और जीव में लग रही थी। जैसे शेक करके इसको अंदर को छोड़ा ना दोस्तों, तो अंदर छोड़ते ही क्या हुआ कि कोई चीरते हुए नहीं जा रहा है, ये बड़ी स्मूथली बड़ी स्लोली स्लोली अंदर जा रहा है, चीरते हुए नहीं जा रहा, थोड़ा इसमें गाढ़ापन सा लग रहा है, मतलब जैसे कि पीने में थोड़ा बढ़िया लग रहा है, आराम से अंदर जा रहा है। टेस्ट करने में मुझे थोड़ा ड्राई फ्रूट की भी आ रही है, थोड़ा फ्रूटी भी लग रहा है, थोड़ा क्रीमी भी लग रहा है, वनीला वाला ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक्चुअली हार्ड इसलिए भी नहीं है कि 40% अल्कोहल वैल्यूम है, तो आराम से स्मूथली नीट भी पी रहे हैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि नीट पीजिए, कुछ बर्फ़ या पानी थोड़ा सा मिला लीजिए, कभी नीट विस्की स्कॉच विस्की या कुछ नहीं पीना चाहिए। हाँ, नीट पीना है तो आप उसमें बर्फ़ डाल लीजिए तो पी लीजिए। तो दोस्तों ये मेरा था नीट का रिव्यू। तो दोस्तों अगला रिव्यू आपको मैं बताता हूँ कॉकटेल बना के, जो कि हमारा कोक के साथ और पानी के साथ और सोडा के साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों वो बना के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि थोड़ा सा मेरे को हार्ड लगा है दोस्तों, तो उसको फ्रेश करने के लिए ओबियस है मैंने चकना लिया हुआ दोस्तों, तो चलिए मुंह फ्रेश करते हैं, लेट्स गो। वैसे भी दोस्तों मुझे भूख लगी हुई है तो मुझे मुंह फ्रेश कर लेनी है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं पूंछ लूँगा जो हमारे फिश का है, तो इसको हम तोड़ेंगे ऐसे। अब देख रहे हैं काफ़ी देखने में जूसी लग रहा है दोस्तों, ये हम घर पर ही फ्राई करते हैं, मार्केट से नहीं लाते हैं। देखिए काफ़ी जूसी लग रहा है, तो चलिए दोस्तों खाते हैं इसको। चेयर्स। काफी बढ़िया है दोस्तों, नींबू डालेंगे दोस्तों, इसमें डालेंगे नींबू और उसको ऐसे लपेट के उसको भी खाएंगे दोस्तों। दोस्तों मज़ा आ गया। तो दोस्तों मेरा मुंह फ्रेश हो चुका है दोस्तों, तो चलिए अगला रिव्यू आपको देते हैं कि ये मैंने नीट तो बता दिया, भाई पानी के साथ और बर्फ़ के साथ कैसा लगता है पीने में उसका भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए पानी और बर्फ़ के साथ इसको ट्राई करते हैं। चेयर्स। अब इसमें ये है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी मैं मिलाऊँगा, बस दैट्स इट। बस में हम काफ़ी गर्म है दोस्तों ये, तो इसलिए इसमें एक बर्फ़ डालूंगा मैं और थोड़ी सी विस्की और डालूंगा दोस्तों। दस एम एल और डाल दिए, 10 ml इसमें पहले से था दोस्तों। पानी को रख देंगे साइड में दोस्तों, अब इसमें एक बर्फ़ और डालेंगे दोस्तों, ऐसे थोड़ा शेक कर लेंगे, घुमा लेंगे कि बर्फ़ से थोड़ा ठंडा हो जाए, काफ़ी गर्म है दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है इसके कारण। तो चलिए दोस्तों थोड़ा चिल्ड हो चुका है आप देख रहे हैं, चलिए इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा लगता है, थोड़ा सा पानी और आइस क्यूब के साथ और 20 ml से 25 ml जेमसन के साथ कैसा लगता है, चलिए चेस्ट। Oh my God!
तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, काफी स्मूद लगा दोस्तों। जो नीट में मुझे थोड़ा सा अल्कोहल लग रहा था जब मैं उसको सेक करा था अपने टंग्स में, मुंह में, उसके बाद सही हो गया था। जो उसकी स्मेल्स आ रही थी, जो उसमें आ रहे थे, वो सारे फ्लेवर अभी भी आ रहे हैं दोस्तों। बट ये मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। जो उसकी हार्डनेसपन थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। मेरे को तो लगता है दोस्तों, एक्चुअली गर्म थी स्कॉच विस्की, तो उसके कारण थोड़ी हार्ड लग रही थी। बट अभी मैंने बर्फ़ और थोड़ा सा पानी मिलाया आपके सामने, तो अब हार्ड भी नहीं लग रही है दोस्तों। चलो 5-10% तो हार्ड लगेगी, पर वैसे कोई हार्ड नहीं आ रही। बाकी जो फ्लेवर्स थे वो आ ही रहे हैं, फ्रूटी फ्लेवर्स, कुछ वनीला फ्लेवर और ऐसे करके जो फ्लेवर्स आ रहे थे वो आ रहे थे। और पीने में भी थोड़ी मीठी मीठी लग रही है, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों पीने में। मेरे को तो बढ़िया लगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला रिव्यू आपको देते हैं। लास्ट पैक है दोस्तों, लास्ट पैक हम बनाते हैं और इसको आपको कॉकटेल बना के देते हैं सोडा और कोक के साथ। तो चलिए दोस्तों सोडा और कोक के साथ कैसा लगता है ट्राई करते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें लास्ट पैक, बोतल हो गई ये ख़त्म। इसको रखेंगे साइड में। अब इसमें मैं लाऊंगा दोस्तों सोडा थोड़ा। और इसमें मिलाऊंगा अब कोक्स थोड़ा। ये कोक खुल गया दोस्तों, कोक भी मिक्स हो गया है। इसमें हम डालेंगे बर्फ के टुकड़े दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है। सोडा 30-40 ml जेम्सन विस्की और सोडा और हमारा कोक और बर्फ़ डाल के काफ़ी सोडा सोडा फ्लेवर टाइप आ रहा है। बाकी पी के देखते हैं कैसा लगता है दोस्तों, आपको बताता हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है दोस्तों, तो हम फिर चखना ट्राई करेंगे। क्योंकि तो इससे पहले मैंने टैग लगाया तो थोड़ा हाथ में मेरे मुँह में है, उसको गायब करने के लिए चखना लेंगे। तो इसके कारण ही मैं आपको एज एक्चुअल रिव्यू दे पाऊँगा। क्योंकि ये चखना लेने से क्या होता है दोस्तों, मुँह फ्रेश हो जाता है, मुँह का इसका पहले का टेस्ट चला जाता है, उसके बाद जब दोबारा पीऊँगा तो नवा टेस्ट आता है दोस्तों। इसलिए मैं चखना ट्राई करता हूँ बीच बीच में, उसके बाद आपको ओरिजिनल रिव्यू देता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी ये मैंने हेड लिया, फेस हेड, ये दोस्तों देख रहे होंगे फिश की आंख है दोस्तों, फिश की आंख। जो फिश का ऊपर वाला हेड होता है ना दोस्तों, इसमें कुछ माल होता है, माल मतलब थोड़ा ऑयली टाइप होता है, थोड़ा मास टाइप होता है, उसको चूसने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। देखिए सब चूस चुका हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों मुंह फ्रेश हो चुका है, आपने देखा मैंने फिश का हेड खाया। तो चलिए दोस्तों अगला रिव्यू देते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। अब जैसे कि आपने देखा मैंने क्या क्या इसमें डाला था, एक कॉकटेल सा बन गया। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ आपको कैसा लगता है, एज एक्चुअल ओरिजिनल रिव्यू दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुंह फ्रेश हो चुका है। चलिए देखते हैं कैसा लगता है। चेयर्स। खत्म करते हैं दोस्तों इसको। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों,
इसमें मैंने कोक मिला दिया है, तो मुझे तो इसकी कोई ज़्यादा ना स्मेल आई ना ये पीने में हार्ड लगा दोस्तों, कोई किसी तरह नहीं है। सिर्फ इसकी जो पीने में जो टेस्ट आ रहा था, स्मेल आ रहा था या अल्कोहल का जो पंच आ रहा था, वो सिर्फ 5% आ रहा था दोस्तों। पर हाँ, एक कोक से मैंने एक चीज़ और देखी है दोस्तों, कोक के साथ, और इसके और आपको मैं बताऊंगा, इसको मैंने जूस के साथ भी पिया दोस्तों, मिक्स जूस के साथ कोकटेल बना के मैंने पिया हुआ दोस्तों। तो मेरे को पीने में क्या लगा दोस्तों, ये मैं जब कोक और सोडा के साथ पिया तो मुझे लग रहा था कोक और बिस्लेरी पी रहा हूँ, मतलब सोडा, और मैं ये विस्की वो नहीं पी रहा हूँ। बट आपको मैं बता रहा हूँ, इसका जो 5% का जो अल्कोहल का पंच आ रहा था दोस्तों, वो फ्रूटी था, मीठा था और वनीला फ्लेवर आ रहा था दोस्तों। तो थोड़ा फ्रूटी जूसी लगा मेरे को, क्रीमी, तो पीने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपको मैं रियलिटी, मैं अपना ओरिजिनल व्यू दे रहा हूँ दोस्तों आपको। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू, जो ओरिजिनल रिव्यू दे सकता है आपको दिया है मैंने। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप प्यार बना के रखिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली विशेष साथ। तो ओके, बाय, गुड नाइट एंड चेस, सॉरी एंड चेस।